एंड मैं एक और नई रेसिपी लेके आ गई, सबके पसंद की रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज मैं गुच्चू की रेसिपी लेके आई हूँ। आज गुच्चू का तीखा पानी और गुच्चू के हम मसाला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। गुच्चू का मसाला बनाने के लिए मैंने ये पीले मटर ले लिए हैं, मैंने रात भर इसे भिगा दिया था, और मैंने आलू ले लिए हैं। इसे एक कुकर मैंने पानी ले लिया है, अब इसे हमें कुकर में डाल देंगे। पानी मैंने इसका निकाल लिया था, आलू को भी मैंने धो लिया है। पानी ऐसे लेना है जैसे आलू पूरे डूब जाए उसमें। और हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे इसमें, नमक डाल देंगे बस। इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 5-6 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। खोल के देखेंगे मटर गल गया है कि नहीं। अब हम गुच्चू का पानी बनाएंगे। पानी बनाने के लिए मैंने क्या क्या ले लिया है मैं बता देती हूँ। हरा धनिया लगेगा, 2 जोड़ी मैंने हरा धनिया ले लिया है। पुदीना पत्ता ले लिया है थोड़ा सा, और अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है। 3 हरी मिर्ची ले ली है, और कच्चा आम ले लिया है, इसे छील लिया है मैंने। अगर कच्चा आम नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह इमली को भिगा के डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो इसका ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप जब भी कोई चीज़ बनाएं, चाहे हरा धनिया लें, चाहे टमाटर लें, चाहे हरी मिर्ची, उसे ज़रूर वॉश करके लें। वॉश नहीं करेंगे तो पूरा वो मिट्टी मिट्टी लगने लगेगा आपको। अब इन सबको मैं एक मिक्सी जार में डाल के और इसे पीस लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका पेस्ट। मैंने मिक्सी की जार में सारी चीज़ें डाल दी है, और उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और आधा गिलास पानी डाल देंगे हम इसमें, और इसे हम पूरा पेस्ट बना लें, एकदम चिकना पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, अब इसे हम एक बड़ी छन्नी में छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम छन्नी में छान लेंगे। और इसमें हम 1-1.5 गिलास पानी डाल के छान लेंगे। इसमें 1 गिलास पानी और जाएगा अभी। फ्रेंड्स देखिए, हमारा पानी बन चुका है। अब इस पानी में मैंने 3 गिलास पानी डाला है, इसे छन्नी छान के 3 गिलास पानी डाला है। अब इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। 1 चम्मच भूंजा जीरा पाउडर। फ्रेंड्स देखिए, पानी में कौन कौन सा मसाला जाएगा। 1 चम्मच भूंजा जीरा पाउडर लिया है मैंने, 1 चम्मच जल जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच काला नमक लिया है, 1 चम्मच पानी पूरी मसाला लिया है, और 1 चम्मच चाट मसाला लेंगे। अगर इसमें सब टेस्ट करेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम थोड़ा आधा चम्मच सादा नमक डालेंगे। एक चम्मच पूरा, ये मैंने भर भर के 1 चम्मच लिया है, पूरा भर भर के चम्मच। थोड़ा सा सादा नमक भी डालेंगे। अगर आपको इससे भी और तीखा चाहिए तो आप थोड़ी लाल मिर्ची डाल सकते हैं, मैं लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। अगर ये आपको खट्टा कम लगे तो आप आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिएगा, मुझे परफेक्ट लग रहा है। नहीं तो अगर आप नींबू का रस नहीं निचोड़ चाहते तो आम की कच्चे आम की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मैंने पानी में बूंदी डाल दी है, ये हमारा तीखा पानी तैयार है। अभी मैं आपको आलू में जो मसाला डालता है अब की उसकी रेसिपी बताती हूँ। कुकर मैंने लगा दिया था, 5-6 सीटी हो चुकी है, अब इसे हम खोल लेंगे। खोल के चेक करते हैं गला है कि नहीं। फ्रेंड्स हमारे आलू मैंने बॉईल हो गए थे, मैंने छील लिए हैं। मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, 5-6 सीटी लगाई है मैंने। अब इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, मैंने हरा धनिया डाला है, काला नमक थोड़ा सा आधा चम्मच, आधा चम्मच सादा नमक। नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी नमक डाला था, तो नमक स्वाद अनुसार लीजिएगा। थोड़ा चाट मसाला लिया है मैंने, और थोड़ा भूंजा जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें प्याज भी डालिए, मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको प्याज पसंद है तो इसमें प्याज बारीक बारीक 1 टुक काट के डाल दीजिएगा।
मैंने इसमें एक हरी मिर्ची काट के डाल दी है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। अगर आप तीखा चाहते हैं तो थोड़ी लाल मिर्ची भी ज़्यादा कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो ये पानी बनाया था, थोड़ा सा आलू में ये पानी भी डाल देंगे, पानी पूरी का पानी मसाला, पानी ऐसे मिक्स कर लेंगे। बस हमारा आलू का मसाला तैयार है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए मैं नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाऊं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला, पानी और गुपचुप मैंने रेडीमेड मंगा लिए थे, हमारा तैयार है। आ जाइए फ्रेंड, गुपचुप खाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वाह सो टेस्टी यम्मी। मैं खा के देखती हूँ अभी कैसा बना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।